गौरी व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हैप्पी मकर संक्रांति ग्रीटिंग कार्ड। तो हमने यहाँ सबसे पहले व्हाइट पेज ले लिया है और हमने यहाँ पिंक पेज भी ले लिया है हाफ, और हम इस पिंक पेज पे एक हम डिजाइन बनाते हैं। तो ये जैसा मैंने डिजाइन बनाया ये ऐसा ही आपको बनाना है और इसे कट करना है। तो अब चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ कट हो चुका है, मैंने कट कर लिया है, और जो ऐसा कटिंग वाला भाग बचता है पार्ट, इसको हम थोड़ा सा ऐसे और फिर कुछ ऐसे हमें कट करना है इसके ये कॉर्नर्स के बॉर्डर। तो यहाँ कट कर लिया है, तो हम वाइट पेपर ले लिए हैं जिसपे हमें कार्ड बनाना है, और हमने यहाँ पेपर ले लिया है। और इसे हम ग्लू के हेल्प से इसे लगा लेते हैं। तो अब सबसे पहले अब इस पेपर को ले लेते हैं और इसे हम कुछ ऐसे लगा लेते हैं। ये लग चुका है, अब हम इसे इसके बॉर्डर्स लगा लेते हैं। हम यहाँ अब लगा लेते हैं इस पतली से लाइन टाइप के पट्टी पे हम ग्लू। ग्लू लग चुका है और अब हम इसे लगा लेते हैं। तो अब देखो कुछ ऐसे लगा लिया है, तो अब ऐसे नीचे के लिए भी ऐसे ही लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ लाइन यहाँ भी लगा ली है पतली सी पट्टी, और अब इसके काइट की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ कोई भी आप कलरफुल पेपर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ एक कलरफुल पेपर मतलब एक कलर का पेपर लिया है मैंने। तो इसको मैं सबसे पहले अच्छे से आप कट करिएगा, तो मैंने भी अच्छे से इसे कट कर लिया है, और ऐसा एक छोटा सा आप ट्रायंगल शेप का काट लीजिएगा कटिंग, और इसको मैं बता दूँ तो आपको कैसे करना है। ऐसे कुछ बनाना है आपको डिजाइन,
आपके पास अगर तो इसको कुछ अब ऐसे लगाएंगे। तो अब यहाँ ग्लू का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। हाँ बहुत, इसमें थोड़ा सा ही ग्लू लगाइएगा। तो यहाँ हमारा काइट बन के तैयार है। और ऐसे ही मैंने ये सब काइट्स भी बना के तैयार कर ली है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम इसे ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर लगा लेते हैं। तो एक काइट पे हम कुछ ऐसे हम लगा लेते हैं। फिर अब इसे भी लगा लेते हैं। इसे भी लगा लेती हूँ मैं। और एक लास्ट यहाँ ऐसे लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने स्मॉल बनाया था। तो हमने ऐसे लगा लिया है। अब हम यहाँ व्हाइट पेपर लेंगे। कुछ ऐसे व्हाइट पेपर लेंगे। और कुछ पंचिंग मशीन से ऐसे हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग ने बहुत सारे कटिंग कर लिए हैं। इन सबको हम लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ ऐसे सब लगा लिए है और यहाँ हैप्पी मकर संक्रांति लिख दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।